तो भाई ये है इनका सीक्रेट मसाला। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या है। इसमें तो ये जो ग्रेवी बनाई थी ये भैया ने कर दी है इसमें मिक्स। देखो यार मिक्स करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो भाई ये है फाइनल जो आपको दिखता होगा शॉप में, ऐसा पहाड़ टाइप का रहता है। हे गाइस वेलकम बैक टू वाइनम फूडी। तो भाई आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी छोले भटूरे के रेसिपी के लिए, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेसिपी। देखो सुबह के 3:30 बज रहे हैं, पूरी रोड खाली पड़ी है, तो सुबह सुबह मुझे आना पड़ा इस रेसिपी के लिए। 25 साल पुरानी शॉप है ये, ठीक है। भैया ने आज तक कभी रेसिपी नहीं बताई, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, तो इन्होंने बोला ठीक है सुबह सुबह आना पड़ेगा फिर 3:30 बजे। तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि सुबह के 3:30 बज रहे हैं आपको पता ही, और जहाँ जितनी लाइटिंग है उतने में हमें काम चलाना पड़ेगा। ये कितने किलो छोले हैं भैया? 5-6 किलो छोले हैं। और इसमें आपने क्या क्या डाला भैया ऊपर से? ये आंवला है सूखा, जिससे कालापन आता है ना। तो गाइस आपको सूखा आंवला डालना पड़ेगा। लोग जो चाय पत्ती डालते हैं ना वो झटका होता है, मतलब वो एक शॉर्टकट होता है काला करने का। एक्चुअल में चाय पत्ती डलती नहीं है आपके, इसमें सूखा आंवला डलता है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये सूखे आंवले के हैं। और ये कितने डाले होंगे भैया आपने? एक मुट्ठी आपको सूखे आंवले डालने हैं। और दोस्तों जो भी रेसिपी बनेगी वो 5 किलो छोले के हिसाब से बनेगी, तो आप उस हिसाब से अपना देख लेना, ठीक है। और इसको अभी 1 घंटा लगेगा उबलने में, और इसको रात भर भिगा के रखा हुआ था पानी में। तो भाई इस पे देखो उबाल आ गया है। अब इसमें भैया सोडा डालेंगे, भैया कितना डालोगे इसमें? पहले इसको साफ़ करेंगे जो झाग है अच्छे से। 9 चम्मच सोडा, तो ये 5 किलो के हिसाब से 9 चम्मच सोडा डालेंगे, ठीक है। एक उबाल जब आ जाएगा, ये डाला भैया ने इसमें थोड़ा सा गरम तेल, घी, घी की तेल घी है। तो ये डाला भैया ने 9 चम्मच सोडा। मीठा सोडा भैया? मीठा सोडा। तो 5 किलो के हिसाब से 9 चम्मच डालना है। छोले कभी अच्छे भी आ जाते हैं, कोई ऐसा भी आता जल्दी गलता भी नहीं है, उसी हिसाब से। तो ये सोडे से गलेगा छोला। तो अब इसको और कितनी देर अब पकाना भैया? मतलब धीमी आंच पे आधा पौना 1 घंटा तक लगभग। अब धीमी आंच पे इसको आधा पौने घंटे तक पकाना है। तो यार सोडा डालने के बाद अगर आपके पास कोई कपड़ा होगा उसको एक कपड़ा रख देना, देन ढकना, उससे थोड़ा जल्दी गलेगा। तो भाई छोलों की ग्रेवी बना रहे हैं जिसमें भैया ने अराउंड 2.5 से 3 किलो तेल लिया है, उसमें 5 किलो प्याज काटा है। अब इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे, इसके बाद जो मसाले इसमें डालेंगे वो आपको बताते हैं। तो भाई मेरा ध्यान वहाँ था, यहाँ पे भैया ने मसाला बना दिया पीछे से। तो भैया इसमें बताओ क्या क्या डाला, कितने कड़ची क्या है? 3 कड़ची नमक है। 3 कड़ची नमक है इसके अंदर, और 3 कड़ची मिर्ची है। 3 कड़ची लाल मिर्च है, और हल्दी है 3 कड़ची। हल्दी है 3 कड़ची, और ऊपर से ये क्या, धनिया पाउडर? धनिया 3 कड़ची। मतलब सब कुछ आपने 3 कड़ची डाला है। आप क्या डाल रहे हो? ये गरम मसाला कितना है? 1 कड़ची गरम मसाला। लाइटिंग का इशू है गाइस, ये है ग्रेवी का मसाला। फिर से बता दो एक बार भैया, नमक 3 कड़ची, लाल मिर्च 3 कड़ची, हल्दी 3 कड़ची, धनिया 3 कड़ची, और गरम मसाला 1 कड़ची। ये है ग्रेवी का आपका मसाला। तो भाई इस मसाले के ऊपर डाल रहे भैया जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि आपका अराउंड 0.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 5 किलो के हिसाब से रेसिपी है। तो इन मसाले के ऊपर भैया ने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो भाई ये देखो हो गया ये ब्राउन ऑलमोस्ट। अब इसमें भैया मसाला और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट वाला था वो डाल रहे हैं। ये देखो भाई पड़ गए इसमें मसाले। अभी भैया छोले जब बनाएंगे, जब इसमें छोले डालेंगे, एक सीक्रेट मसाला है इनका, वो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। अभी ये ग्रेवी बन रही है, तो अब इसके बाद क्या डालेंगे भैया? ये इसको पकाएंगे। अब कितनी देर पकाएंगे इसको? 10 से 15 मिनट अब इस मसालों को पकाएंगे इसी में। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना, टमाटर वमाटर कुछ नहीं। भाई मसालों का कलर देखो, थोड़ी सी यहाँ पर लाइटिंग का इशू है वरना मैं आपको सही तरीके से दिखाता। ये देखो बिल्कुल गाढ़ा जो होता है ना छोले, वैसे इनकी शॉप के या इनकी या किसी भी जो बाहर देखेंगे शॉप में जो छोले होते हैं बहुत ही सूखे से रहते हैं, उसी तरीके का ये बनाएंगे, अभी देखते रहना आप। तो भाई ये हमारा मसाला पक चुका है, अब भैया इसको पतीले में खाली कर रहे हैं।
तो भाई भटूरे की तैयारी चल रही है, कितना पानी होगा भैया? डेढ़ जग पानी है। इसमें क्या डाल रहे हो ये? चीनी। कितनी? एक मुट्ठी। एक मुट्ठी इन्होंने चीनी डाली है। तो भटूरे का आटा लग रहा है, देखते हैं अब कैसे लगा रहे हैं भैया। पानी गर्म करना। तो भाई इसमें चीनी डाली है, थोड़ा सा इसको गलाना है, इसलिए थोड़ा सा गर्म करना है। जब तक बस चीनी गल ना जाए तब तक इसको गलाना है। इसमें थोड़ा गुनगुना भी हो जाएगा उससे पानी इसका। तो अब ये हो गया है गर्म। और ये क्या है भैया, कौन सा मसाला है? ईस्ट है ये। तो कितना डालेंगे इसको? डेढ़ जग में आपने डालना है, डेढ़ चम्मच ईस्ट। और अब कितनी देर के लिए छोड़ेंगे? छोड़ेंगे हो गया। अच्छा हो गया, गरम होगा। अच्छा तो इसको इसमें अच्छे से घोल देना है। अब इसमें क्या डालेंगे भैया? मैदा डालेंगे। अब इसमें मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से गूंदेंगे। और कितने किलो मैदा डालोगे भैया? चार पाँच किलो मैदा इसमें डालेंगे। क्या डालेंगे? प्लेट से डालेंगे। अच्छा प्लेट से। तो चार पाँच किलो मैदे के हिसाब से आपने ईस्ट डालनी है, ठीक है? तब अच्छे से इसको गूंद रहे हैं। भैया कैसा आटा लगाना है, नरम मुलायम? मुलायम। तो मुलायम आटा, ज़्यादा मुलायम भी नहीं ज़्यादा टाइट भी नहीं। जैसे आप आटा घर पे लगाते हैं रोटी के लिए, सेम वैसा आपने गूंदने के बाद एक घंटा रखना है। तो गाइस देखिए हमारा मैदा लग चुका है। अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा गीला रह गया तो आप सूखा मैदा ऊपर से डालते रहें। तो देखिए यहाँ पे भैया इस पर लगा रहे हैं तेल, रिफाइंड ऑयल इसमें लगाया है। और अब इसको कितने, अभी थोड़ा सा और गूंदना है। अच्छा तो ये देखिए इस तरीके से आपने करना है इसको, और अब एक घंटे के लिए रख देना है। एक घंटे के बाद इसके पेड़े बनेंगे, फिर इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद तेल में तलना है। तो लो भाई छोले भी हमारे पक चुके हैं अच्छे से। तो चलिए अब देखते हैं आगे कैसे इससे बना रहे हैं। सुबह 3:30 बजे का आ रहा हूँ, देखो उजाला भी हो गया। तो अभी तक हमारा बना नहीं है, बन रहा है, ठीक है? तो भाई यहाँ पे देखो भैया ने छोलों का पानी निकाल दिया है। और ये मैं थोड़ा एक अलग सा तरीका देख रहा हूँ यार, छोले को ऐसे टेबल में लिटा के थोड़ा ठंडा करने के लिए। फिर इसी के ऊपर मसाला इसी टेबल पे मिलाओगे भैया? इसी टेबल पे देखो मसाला भी मिलाएंगे। तो भाई ये है इनका सीक्रेट मसाला। तो इसमें मैं बताया तो आपको कि इसमें क्या क्या है। इसमें येलो मिर्च है, पीली मिर्च, खड़े मसाले जैसे जावित्री हो गया, तेज पत्ता हो गया, लौंग, इलायची, ये सारे खड़े मसाले, और आपका अनारदाना है। इन तीन मसालों का ये मिक्सर, मतलब क्या बोलते हैं, मिक्सरन वही है, ठीक है? तो ये इनका सीक्रेट मसाला है। अब इसके ऊपर देखते हैं भैया कैसे कर रहे हैं। तो ये मसाला भैया ने इसमें मिला दिया। अब इसके ऊपर भैया ने जो ग्रेवी बनाई थी वो ऐड करेंगे। तो अब मसाला देख लो कितनी क्वांटिटी में डल रहा है। तो यही है असली मसाला। तो ये जो ग्रेवी बनाई थी ये भैया ने कर दी इसमें मिक्स। देखो यार मिक्स करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, घर पे आप इसको आराम से कढ़ाई वढ़ाई में मिला सकते हैं। तो यार छोले भटूरे की शॉप पे हमने देखा होगा एक लेयर सी बनाते हैं, पहाड़ की एक परात सी होती, परात होती है, उसके ऊपर लेयर होती है पहाड़ों जैसी। तो वही अभी ये इसमें बनाएंगे। पहले इसको अच्छे से मिला रहे हैं ये। तो इसमें भैया इसकी अब लेयर बनाएंगे। तो भाई ये है अदरक, और अदरक और धनिया की बस ऊपर से गार्निशिंग। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें अब हल्का सा पानी डलेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो क्या है। आपका ये छोले रेडी है। अच्छा इसके ऊपर पनीर भी लगा सकते हैं, बट ये तो भैया शॉप वालों की तरह हो गया ना कि जो शॉप खोलना चाह रहा है उनके लिए वो लगाते हैं ना, अब घर पे थोड़ी ना कोई ऐसा करेगा। तो ये थी शॉप वालों के लिए जो लगाते हैं गार्निशिंग के लिए, और कुछ नहीं। तो भाई ये है फाइनल जो आपको दिखता होगा शॉप में, ऐसे पहाड़ टाइप का रहता है, ठीक है?
अब थोड़ी सी मैं ग्रेवी बताया तो इसको लिक्विड मतलब थोड़ा इसको ग्रेवी कैसे करेंगे ये अभी दिखाता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पे देखो ये पानी भैया डाल रहे हैं इसको ग्रेवी करने के लिए, क्योंकि छोले तो आपके पूरे सूखे पड़े। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये जो पानी है ना ये यहाँ पे पड़ा है देखो, ये सिर्फ पानी है। इसके अंदर भैया आपने क्या क्या डाला था, नमक मिर्च सारे मसाले जो आपको मैंने दिखाया था ना कड़छी से डल रहे थे वही मसाले इसमें डाले, दो दो चम्मच सिर्फ ज़्यादा नहीं, हल्दी नमक मिर्च धनिया बस यही जो बेसिक मसाला होता है घर पे, उसको डाला और पानी को उबाला अच्छे से ताकि वो मसाला कच्चा ना रहे पक जाए अच्छे से, वही ये पानी है बस और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। बस इसको थोड़ा ऐसा करके देखिए, शक्ल देखिए छोलों की, ये आपके बन के रेडी है। पकेगा भी हल्का सा गर्म होगा, मतलब 2 से 3 मिनट अभी इसको थोड़ा सा पकाएंगे और ये आपका खाने के लिए रेडी है। तो भाई ये पनीर है और उसके ऊपर कसूरी मेथी है और थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये भटूरे के अंदर डालेगा जैसे स्टफिंग टाइप की आप कह सकते हो, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है उन्होंने। तो चलिए भटूरा लग रहा है, वो देखते हैं कैसे अब बनेगा। तो भाई ये हमारा मैदा है भटूरे का, ठीक है, और इससे पहले भैया ने इसके नीचे थोड़ा सा तेल लगाया ताकि ये नीचे चिपके ना। तो अब आप देख लो भैया किस तरीके से इसको भर रहे हैं, ये देखिए इसमें रखा पनीर और ये बन गया। तो ऐसे ही सारे बनाएंगे फिर तल के आपको बताते हैं। तो यार जैसे कि मैंने कहा था पेड़े बनाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ना है, ऊपर से गीला कपड़ा रख सकते हो ताकि सूखे ना। तो अब भैया बना रहे हैं और यहाँ पे तेल हो चुका है गरम, काफ़ी हाई आपको हीट पे रखना है, काफ़ी तेज़ गरम रखना है, ठीक है, मतलब धुआँ निकले इतना। और ऐसे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए इसको बड़ा करने का हाथ से। तो भाई मैदे को आप जितनी देर के लिए छोड़ोगे ना उतना अच्छा आपका भटूरा बन के बाहर आएगा। तो जितना आप ज़्यादा छोड़ोगे, ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं 2 दिन के लिए छोड़ दिया मतलब 2-3 घंटा 4 घंटे तक आप इसे छोड़ सकते हो। तो देखो हमारा भटूरा बन के रेडी है, छोले आपने सीख लिए, भटूरे आपने सीख लिए, रेसिपी अच्छे से सीख ली। अब मैं यहाँ का एड्रेस आपको बता देता हूँ अगर आपको यहाँ आके खाना है। तो यार ये सामने है आरकेपुरम सेक्टर 1 का बस स्टैंड, बस बस स्टैंड के सामने ही यहाँ पे लास्ट जो शॉप है छोले भटूरे की यही है। छोले भटूरे, छोले समोसे, राजमा चावल, काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे आओ ट्राई करो और हमें कमेंट में बताना कैसे लगी आपको वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।